उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र कनिका मोह निवासी चार युवक बीती शाम फतेहपुर गांव के सामने गंगा नहाने गए थे, जहां चारों गहरे पानी में डूबने लगे। किसी तरह तीन को घाट पर मौजूद लोगों ने बचा लिया, वहीं एक युवक तेज धार में बह गया। आपको बता दें कि शनिवार देर शाम तक उसका शव गोताखोरों ने गंगा से निकाला। शव बरामद होने के बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि कनिका मोह निवासी अमन नाइक, रमेश लोध, गोलू लोध, सूबेदार राठौर एक साथ फतेहपुर गांव के सामने गंगा नहा रहे थे, तभी अमन गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के चक्कर में सभी डूबने लगे। चारों युवक को डूबता देखकर घाट पर मौजूद लोगों ने गंगा में छलांग लगाई और किसी तरह रमेश, गोलू और सूबेदार को काफ़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। रमेश को होश न आने पर परिजन आनन फानन में उसे जिला अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। होश में आने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि वहीं अमन को ढूंढने के लिए ग्रामीणों ने गंगा में जाल डालने के साथ ही गोताखोरों को भी उतारा, तो वहीं देर शाम को गोताखोर मिर्जापुर घाट के पास उसे ढूंढ रहे थे, जहां अमन का शव उतराता मिला। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला और शव को देखते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सूचना मिलने के बाद देर रात पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए उन्नाव पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।